Assalamu alaikum students, my name is Usman Javed Bhatti. Today is our next lecture of biology class 9th. नाइन्थ क्लास की जो बायोलॉजी है उसमें हमने अपना आज नेक्स्ट लेक्चर जो नंबर 4 का है वो हमें स्टार्ट करना है, लेकिन हम अपना रूटीन के हिसाब से चलेंगे. हम सबसे पहले अपना प्रीवियस लेक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि आपने लेक्चर सुनना है, सुनने के बाद रीड करना है, रीड करने के बाद लर्न करना है, और लर्न करने के बाद राइट करना है, ताकि आपका जो टॉपिक है वो ऑथेंटिक हो जाए, आपको याद हो जाए. तो अगर आपने उसको जो है लर्न किया है तो आपको जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ ये क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए. हमारा टॉपिक था साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म की थी सबसे पहले अक्रेंस. वो अकर कहाँ करता है, उसके फंक्शन क्या थे, ये इम्पॉर्टेंट था. और एक शॉर्ट क्वेश्चन था, वो था कि व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस. ये क्वेश्चन वो हैं जो आपने अपने आप माइंड में इसको थोड़ा सा रिवाइज करना है. अगर आपको ना आते हो तो आपने बुक खोलनी है और लाजमी याद करने हैं. उसके बाद हमने साइटोस्केलेटन जो है डिस्कस किया था. उसके अंदर हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल. तो जो माइक्रोफिलामेंट है वो किससे मिलकर बना होता है, कौन सी प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और इसके फंक्शन क्या हैं, और जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये किस प्रोटीन से मिलकर बना होता है और इसके फंक्शन क्या हैं. ये क्वेश्चन था, मैंने आपसे कहा था इसको आपने डीपली जो है याद करने की कोशिश करना है और लिखना ज़रूर है. तो इसके बाद थर्ड जो टॉपिक था वो था राइबोसोम. जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है उसे हम राइबोसोम कहते हैं, ये मैंने आपको बताया था. और मैंने ये भी कहा था कि बाद अवकात MCQs के अंदर जो है वो पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज जो है ना ग्रेनुलर स्ट्रक्चर जो है वो कौन सा होता है, तो ये MCQs में आता होता है. इसके बाद इसका फंक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट इसका फंक्शन था कि ये क्या परफॉर्म करता है, किस चीज़ में रोल मेन रोल प्ले करता है. ये मेन रोल प्ले करता है किसमें, द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. उम्मीद है कि वह आपने याद किया होगा, और इसकी डायग्राम जो है मैंने चेंज करवाई थी, उम्मीद है कि वो आपने बुक पे बना ली होगी. तो ये जो कुछ चीज़ें जो मैंने अभी आपको जो है रिपीट की आपके सामने लास्ट लेक्चर की, ये वो चीज़ें हैं जो हम कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ टॉपिक. अगर आप इन पॉइंट्स को अच्छे से कर लोगे, अगर इन पॉइंट्स पे आप जो है वो ग्रिप रख लोगे, तो इंशाल्लाह ताला आप जो टॉपिक हैं जो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं वो आपके वीक नहीं रहेंगे, वो आपको याद हैं, इसकी आपके पास कंफर्मेशन हो जाएगी. लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता इनमें से जो मैंने कहे हैं, तो आप पे ये फ़र्ज़ है कि आपको याद करें, उसको दोबारा याद करो, उसको दोबारा सुनो, लेक्चर को पढ़ो, याद करो और लिखो लाजमी. और मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आप चेक नहीं कर सकते खुद, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे पर्सनल नंबर पे जो ग्रुप में ऐड है. मैं खुद चेक करके बताऊंगा आपको कि आपका जो लिखा हुआ क्वेश्चन है वो आया कि ठीक है या नहीं है. तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको मिल रहे हैं, आपने इन पे अमल करना है. हर लेक्चर के अंदर आपको ये हम लोग बताते हैं कि भी आजकल जो है जिस तरह का सीज़न चल रहा है कोरोना का, इसमें स्कूल की क्लासेस ऑनलाइन ही जो है वो चलेंगी कुछ अर्सा, तो इसीलिए आपको चाहिए कि आप इसको सीरियस ले लें. हम बार बार कह रहे हैं जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, जिस तरह पढ़ा रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करें, आप इस पर पॉजिटिव जो है रिस्पॉन्स शो करें. और ये ज़रूरी है, जो जो टॉपिक हम पढ़ लेंगे, जो जो चैप्टर हम कवर कर लेंगे वो रिपीट नहीं होंगे, क्योंकि आगे हमारे पास टाइम कम होगा. इसकी एक मेन वजह ये भी है. तो काइंडली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें लाजमी, ठीक है. तो अब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो क्या है, वो है हमने पहले पढ़ा था ऑर्गनल्स. कुछ ऑर्गनल्स जो हैं वो हमने कहा था कि नहीं होते, इसमें हमने कहा था सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोस्केलेटन, साइटोप्लाज्म, ये सारे ऑर्गनल्स नहीं थे, ये जस्ट स्ट्रक्चर थे जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं. लेकिन अब हम जो पढ़ने लगे हैं वो ऑर्गनल्स हैं. एक ऑर्गनल्स हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में वो था राइबोसोम. अब हम नेक्स्ट जो है वो पढ़ने लगे हैं वो है न्यूक्लियस. इसको स्टार्ट करने से पहले मैं जो है आपको ऑर्गनल की जो है डिफाइन जो है वो बताने लगा हूँ. ये बुक के अंदर मौजूद है, बुक के अंदर जहाँ पे सेल ऑर्गनल्स लिखा हुआ है उसमें पहली लाइन जो है वो आपने डिलाइन कर लेनी है. पहली लाइन उसमें ये डिफाइन है किसकी, ऑर्गनल्स की. ये मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखने भी लगा हूँ, आपने व्हाइट बोर्ड से भी देखना है और बुक से भी देखना है, ठीक है. तो जो डेफिनेशन है ऑर्गनल्स की वो क्या है कि ऑर्गनल्स आर स्मॉल स्ट्रक्चर विद इन सेल दैट परफॉर्म डिसाइडेड फंक्शंस. ऑर्गनल्स
small structures that perform decided functions. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑर्गन्स वो स्ट्रक्चर है, वो खास स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जो कि डिसाइडेड फंक्शन को परफॉर्म करता है. डिसाइडेड फंक्शन का मतलब क्या है कि हर ऑर्गन का अपना अपना एक फंक्शन है, फिक्स फंक्शन है जो उसने परफॉर्म करना है. जैसे राइबोसोम का था प्रोटीन बनाना, बिल्कुल इसी तरह बाकी जो ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, हम बात करते हैं जो है न्यूक्लियस की, हम बात करते हैं जो है वैक्यूल्स की, ये सारे जो ऑर्गन्स हैं गॉल्जी बॉडीज, गॉल्जी प्रेस वगैरह, इन सब में उनका अपना अपना एक फंक्शन है. हर ऑर्गन अपना उसका जो फिक्स है, डिसाइडेड का मतलब क्या है, फिक्स जो फंक्शन है जस्ट वही परफॉर्म करेगा. मतलब अगर जो है ये क्या नाम है, अगर राइबोसोम प्रोटीन ना रहा है तो वो जस्ट प्रोटीन बनाएगा, वो कोई और रोल नहीं करेगा और कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा. ठीक है, तो इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है, अगर जो है नेक्स्ट इसके बाद जो है हम देखते हैं न्यूक्लियस को. न्यूक्लियस की जो अकरेंस है, न्यूक्लियस की अकरेंस जो है, जो हम देखते हैं उसको, वो क्या है न्यूक्लियस अकरेंस क्या है, ये इसको गौर से सुनो. अब हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं. न्यूक्लियस जो है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जो है is present in eukaryotes. ठीक है, eukaryotes के अंदर जो है prominent nucleus locate करता है, ये हमने पढ़ा है. और ये 8 क्लास के अंदर भी आपने पढ़ा था कि भी यूकैरियोटिक क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं. मैं इसको दोबारा से जो है आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ. प्रोकैरियोट्स का मतलब है, या प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब है, द टाइप ऑफ सेल दैट हैज नो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता. अगर हम इसकी ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल लें तो कौन सी होगी, बैक्टीरिया. बैक्टीरिया वो ऑर्गेनिजम्स हैं यूनिसेलुलर जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स. और अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक में एनिमल सेल या प्लांट सेल की एग्जांपल ले लेते हैं, और ये वो सेल होते हैं जिनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है. तो क्या मतलब है इसका, कि जो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है वो किस में होगा, यूकैरियोट्स में. ठीक है, मैक्सिमम जिसे हम कह सकते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये होता है. ये होगी इसकी अकरेंस, कहाँ करता है, यूकैरियोट्स में. उसके बाद इसकी लोकेशन है, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो इसकी लोकेशन जो है वो अलग अलग है. इसकी लोकेशन जो है वो प्लांट्स में अलग है और एनिमल्स में अलग है. ठीक है, ये दो अलग अलग जो है ऑर्गेनिज्म है, और दोनों में अलग 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 ही इसकी लोकेशन है, लोकेट ये अलग अलग करता है. अगर हम बात करते हैं एनिमल्स के अंदर, तो एनिमल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है वो होता है, इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर. एनिमल के अंदर कहाँ होता है, सेंटर में. इट इज प्रेजेंट इन सेंटर. जबकि प्लांट की अगर हम बात करें तो इट इज प्रेजेंट इनसाइड. क्यों, क्योंकि जो प्लांट होते हैं उनमें वैक्यूल होता है एक लार्ज सा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल इन सेंटर. इनमें लार्ज वैक्यूल जो होता है वो सेल के सेंटर में जाता है, उनका उसका साइज जो होता है बड़ा होता है वैक्यूल का, तो जब वो एक्सपेंड होता है तो तकरीबन सेंटर तक आ जाता है. इसीलिए न्यूक्लियस का सेंटर में लोकेट करना मुश्किल हो जाता है, तो वो साइड पे हो जाता है. और ये बात बुक में लिखी हुई है, आपने इसकी हेडिंग ना लेनी है. पहली लाइन में लिखना है आपने अकरेंस, अकरेंस में आपने बताना है कि भी कहाँ कहाँ मौजूद होता है. लोकेशन में बताना है कि उसकी लोकेशन क्या है, किस जगह पे वो एग्जिस्ट करता है दोनों सेल्स में. और इसके बाद इसका स्ट्रक्चर जो है वो स्टार्ट होगा. किसका स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस का. न्यूक्लियस अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं इसमें न्यूक्लियर एनवेलप की. इसमें काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स हैं,
अगर हम न्यूक्लियर इन्वेलप की बात करते हैं क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप जो है इट इज अ न्यूक्लियर इन्वेलप जो है अगर हम बात करते हैं, न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन नाउन एज न्यूक्लियर इन्वेलप. न्यूक्लियर इन्वेलप कंटेन मैनी स्मॉल पोर्स दैट इनेबल इट एक्ट टू सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो क्या मतलब हुआ अगर हम इसको सिंपली लिखें न्यूक्लियर इन्वेलप को, तो क्या है ये एक मेम्ब्रेन है. ठीक है, जो कि किसके गिर्द होती है, बाउंडेड अराउंड न्यूक्लियस. ठीक है, एक ऐसी मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस के गिर्द जो है घिरी हुई है उसे कहते हैं. और इसके बाद इसमें जो है क्या होता है कि इट हैज मैनी पोर्स, इसमें काफी सारे सुराख होते हैं जो इसको सेमी परमीएबल बनाते हैं. अगर हम सेमी परमीएबल की बात करते हैं तो ये हमने जो है पहले भी डिस्कस किया है, सेल मेम्ब्रेन का एक फंक्शन था जिसको हमने कहा था कि वो सेमी परमीएबल है. मैंने आपको बताया था कि सेमी परमीएबल क्या होती है, दैट एक ऐसी चीज जो कुछ चीजों को गुजरने दे और कुछ को ना गुजरने दे. मैंने एग्जांपल भी दी थी कि अगर हम घर में जो आटा छानते हैं उसमें एक छलनी होती है, वो आटे को गुजरने देती है लेकिन जो कंकर होते हैं उनको रोक लेती है. तो ये है, उसको हम कह सकते हैं सेमी परमीएबल. इसी तरह का फंक्शन होता है किसका, न्यूक्लियर इन्वेलप का. ये कुछ चीजों को न्यूक्लियस में गुजरने जाने देती है और कुछ को नहीं जाने देती, इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, सेमी परमीएबल. ठीक है, तो पहला स्ट्रक्चर क्या हुआ, न्यूक्लियर एनवेलप. और इसके पास नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म. जो हमने नेक्स्ट स्ट्रक्चर डिस्कस करना है वो कौन सा है, न्यूक्लियोप्लाज्म. अगर हम न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करते हैं तो ये क्या होता है, इनसाइड न्यूक्लियर इन्वेलप अ ग्रेनुलर फ्लूइड जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं इज प्रेजेंट. न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन वन आर टू न्यूक्लियोलाई एंड क्रोमोसोम. अब इसमें भी इसी तरह हमने डिस्कस करना है. सबसे पहली बात, जैसे हमने यहाँ पे कहा ये क्या है, एक मेम्ब्रेन है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, एक ग्रेनुलर फ्लूइड है. मतलब क्या है, दानेदार, दानेदार मादा. ठीक है, लिक्विड टाइप, कैसा लिक्विड, जिसमें ग्रेन जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हो वो कह सकते हैं हम इसे, दानेनुमा जो स्ट्रक्चर हो इसका. और इसके बाद नेक्स्ट बात क्या है, नेक्स्ट बात इसके बारे में ये है कि ये जो बना होता है, ये दो चीज़ों में मिलकर बना होता है, एक इसमें न्यूक्लियोलाई होते हैं और इसमें क्रोमोसोम होते हैं. दो चीज़ें जो हैं इसमें लोकेट करती हैं, एक क्या है, न्यूक्लियोलाई और साथ में क्रोमोसोम. और अगर हम बात करें, एक एमसीक्यूज है जो इसमें अंडर ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि भी न्यूक्लियोलाई का जो सिंगुलर है वो न्यूक्लियोलस है. ये आपने लाजमी याद करना है, ये क्या है, एक एमसीक्यूज है. ठीक है, ये क्या है, एक एमसीक्यूज है जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में शो हुआ. बार बार पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द सिंगुलर ऑफ न्यूक्लियोलाई का सिंगुलर क्या है. बच्चा बाद खुद कंफ्यूज हो जाता है कि जो न्यूक्लियोलस है यहाँ तो ऐसा आ रहा है, ये तो प्लोरल हो गया, लेकिन नहीं, ये सिंगुलर है. किसका, न्यूक्लियोलाई का. न्यूक्लियोलाई खुद एक प्लोरल है. ठीक है, इसमें आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना. ओके बेटा, इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा वो क्या है, वो है हमारा न्यूक्लियोलस का. इसी जो हमने कहा कि सिंगल है, इसी को हम डिस्कस करने लगे हैं. न्यूक्लियोलस ये क्या है, न्यूक्लियोलस की अगर हम बात करें तो ये एक डार्क स्पॉट है, एक डार्क स्पॉट, एक गहरा जो है, एक तरह का जो है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो गहरा होता है, इसमें लोकेट करता है. आगे, इट इज अ डार्क स्पॉट एंड इट इज अ साइट वेयर राइबोसोमल आरएनए आर फॉर्म एंड असेंबल टू एज अ राइबोसोम. अब क्या है, पहली बात उसने क्या की, उसने की कि भी ये एक डार्क स्पॉट है, और दूसरी बात उसने ये की कि यहाँ पे क्या बनते हैं, राइबोसोमल आरएनए बनते हैं. कैसे, एज अ राइबोसोम जो एक्ट करते हैं बाद में, जो एक्ट करते हैं एज अ राइबोसोम एक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं. ठीक है, इसके बाद इसमें एक और बात है, क्रोमोसोम का जिक्र किया गया. क्रोमोसोम आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन
एंड ड्यूरिंग इंटरफेस, ये भी एक इंपॉर्टेंट है बात केस में। दूसरा सिस्टम क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो ये जस्ट विजिबल किस में होते हैं, सेल डिवीजन के दौरान, विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और स्टेप कौन सा है, इंटरफेस, ठीक है, ये भी एमसीक्यूज में सबसे बात पूछा जाता है कि भी इंटरफेस में ही ये जो है अपने आप को शो करते हैं। ऑफ सेल दे आर इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है एंड नाउन एज क्रोमेटिन, और सॉरी सेल डिवीजन में जो है ये अपने को करते हैं, और इंटरफेस में जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अपने आप को जो है शो करते हैं, धागानुमा, ठीक है, और इसको हम कहते हैं क्रोमाटिन। इंटरफेस के दौरान या आपने इसको गौर से पढ़ना है कि इंटरफेस के दौरान जो है क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं क्रोमाटिन। सेल डिवीजन में वो क्रोमोसोम ही होता है, ठीक है, उसके बाद और उसके बाद है क्रोमो जो है, क्रोमोसोम जो होते हैं आर कंपोज्ड ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, द प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट कंटेन प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, देयर क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए ओनली एंड सबमर्ज्ड इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब इसमें आगे जो है इसमें कुछ और क्वेश्चन है वो है क्रोमोसोम के बारे में है। क्रोमोसोम का ये क्वेश्चन आ सकता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन द क्रोमोसोम ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अगर हम इसमें बात करें क्रोमोसोम ऑफ प्रोकैरियोटिक्स, प्रोकैरियोट्स, यहां पे क्या लिखेंगे, क्रोमोसोम ऑफ यूकैरियोट्स, तो इसमें क्या है, इसमें ये है कि जो प्रोकैरियोट का क्रोमोसोम होता है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, वो जस्ट बना होता है किसे, डीएनए से, जस्ट डीएनए से मिलकर बना होता है। और जो यूकैरियोट्स का है वो किससे बना होता है, डीएनए प्लस प्रोटीन, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें एक और डिफरेंस है, वो क्या है कि जो प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोट्स के जो क्रोमोसोम होता है वो कहाँ करता है, लोकेट साइटोप्लाज्म में, और जो यूकैरियोट्स का होता है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस में, ठीक है। या आपने दो डिफरेंस हैं, या आपने जो है इसमें आपने इसको कोशिश करनी है कि भी आपने इसको इसमें जो है लिखना है। इसके बाद इसकी डायग्राम जो है बुक में बनी हुई है, बिल्कुल उसमें सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मेंशन है, वो आपने बुक से देखे बना लेनी है, सिंपल सा है। एक सर्कल बनाना है, सर्कल में आई नुमा स्ट्रक्चर बनाना है, बिल्कुल इसी तरह ऐसे एक सर्कल उसमें आई नुमा स्ट्रक्चर, आई नुमा स्ट्रक्चर में सेंटर में एक डार्क स्पॉट, और इसमें आपने पोर बना देने हैं, और इसमें आपने जो है सारा जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म बना देना है, और इसको आपने मेंशन किया न्यूक्लियोप्लाज्म, ये यहाँ पे जो न्यूक्लियर इन्वेलप हो गई, ये न्यूक्लियोलस हो गया। इस तरह की डायग्राम जो है बुक में बनी हुई है, बिल्कुल उसमें कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल डायग्राम है, वो आपने बना लेनी है। बाकी जो टॉपिक है इसमें आपने हेडिंग जरूर बनानी है, और ये जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन आपने जो है खुद से पेज पे लिख के उसको स्टेप कर लेना है। ये क्वेश्चन जो आपने खुद से लिखना है, ये बुक पे लिखा हुआ है लेकिन आपने इसको अलग से लिखना है, ये बात का मिक्स हो जाता है। अब इसको हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं टॉपिक को। आज का हमने स्टार्ट किए ऑर्गनल्स स्टार्ट किए हमने। ऑर्गनल्स के अंदर हमने क्या कहा कि भी सबसे पहले डिफाइन ऑर्गनल्स होते क्या हैं, आर द स्मॉल स्ट्रक्चर्स दैट परफॉर्म डिसाइडेड फंक्शन, जो मतलब जो फंक्शन उनको दिया जाता है बस वही परफॉर्म करते हैं। न्यूक्लियस की बात करते हैं न्यूक्लियस की हमने सबसे पहले अकरेंस पढ़ी, अकरेंस की बात करी, अकरेंस में हमने बात की तो अकरेंस में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है किसमें, यूकैरियोट्स के अंदर। और इसके बाद लोकेशन की बात करते हैं एनिमल्स में और जो है प्लांट्स में, एनिमल्स के अंदर जो है वो कहाँ होता है, सेंटर में, और प्लांट्स में कहाँ होता है, प्लांट्स की अगर हम बात करें तो वो कहाँ होता है, यहाँ एनिमल्स में सेंटर में होता है, और प्लांट्स के अंदर कहाँ होता है, वो जरा साइड पे होता है। साइड पे क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ किसकी वजह से, यहाँ पे लिखा हुआ है वैक्यूल की वजह से, वैक्यूल की प्रेजेंस की वजह से जो है उसे हम कह सकते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप की बात करते हैं, यहाँ पे ये क्या है, मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन भी कहाँ होती है, न्यूक्लियस के गिर्द होती है। इट हैज मैनी पोर्स, इसमें क्या होती हैं, पोर्स होते हैं जो कि इसको सेमी परमीएबल बना देते हैं, और सेमी परमीएबल क्या होते हैं, ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ को गुजरने दे कुछ को ना गुजरने दे, एग्जाम्पल मैं दे चुका हूँ। आगे न्यूक्लियोप्लाज्म है, आगे इसके
न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम और ये क्वेश्चन और ये डायग्राम। उम्मीद है कि अभी आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आपने सुनना है, रीड करना है, लर्न करना है और राइट करना है। कोशिश कीजिएगा कि ये इंस्ट्रक्शंस आपने फॉलो करने हैं। उम्मीद है कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। वस्सलाम।